हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बैक पेपर फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वे लागन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बैक पेपर का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा समय बीता जा रहा है, लेकिन अभी तक छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से कुछ भी कंफर्म नहीं किया है कि आखिर में बैक पेपर के फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हर एक साल बैक पेपर के फॉर्म निकाले जाते हैं, क्योंकि बैक पेपर के फॉर्म से यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा फंड एकत्रित हो जाता है, क्योंकि आपका जो बैक पेपर का फॉर्म होता है अमूमन 550-600 रुपए का एक पेपर आपको लिया कंडक्ट कराया जाता है, उसमें पेमेंट आपको लिया जाता है 550-600 रुपए। और उसके बावजूद यहाँ पर इस साल इतना लेट हो जाने के बावजूद कुछ भी कंफर्मेशन नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले भी पिछले साल विगत वर्ष ये बैक पेपर काफ़ी लेट कंडक्ट कराया गया, लेकिन इस बार अभी बैक पेपर के फॉर्म ही नहीं निकाले गए हैं। इससे स्टूडेंट में बहुत रोष है, जिनके नंबर कम है या जो किसी विषय में फेल हैं वो बहुत सारे ऐसे हज़ारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट या तो रुका हुआ है या फिर किसी विषय में फेल है या फिर टोटल फेल होने के कारण वो बैक पेपर देकर पास होना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट लगातार वेट कर रहे हैं और चैनल पर लगातार विजिट कर रहे हैं कि सर कुछ करिएगा, अभी तक बैक पेपर के फॉर्म क्यों नहीं आए हैं और आखिर में कितना लेट होंगे। क्योंकि आप समझते हैं कि दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और अभी तक कोई भी बैक पेपर के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से डिक्लेयर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे तो हमने कानपुर यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन लगाया और उनसे ये पूछा कि आखिर में रजिस्ट्रार महोदय जी से कि आखिर में कब बैक पे सत्र के लिए, जो कि स्टूडेंट अभी हाल कुछ ही महीने पहले आपने जो रिजल्ट निकाला था काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाला था, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे स्टूडेंट के, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत कम भी नंबर आए थे, ऐसी शिकायत भी लगातार पहुंची। शुरुआत में तो सुनवाई हुई लेकिन बाद में जो स्टूडेंट रह गए उनके नंबर कतई नहीं बढ़े और वो स्टूडेंट लगातार वेट कर रहे हैं कि बैक पेपर के फॉर्म कब आएंगे। तो उनके पक्ष में एक हमने कानपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महोदय जी से एप्लीकेशन लगाया था और उनसे पूछा था आखिर में कब आने वाले हैं बैक पेपर और इतना लेट आखिर में क्यों है, कृपया सटीक जानकारी दीजिएगा। तो उनका जवाब आ गया है, आप भी देख लीजिएगा जवाब। ये देखिएगा, ये जवाब दिया है रजिस्ट्रार छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। हमने पूछा था कि बैक पेपर के फॉर्म कब निकलेंगे, लेट क्यों हो रहा है, सटीक जानकारी दीजिएगा। तो उनका कहना है, ये देखिए क्या कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है, जल्द कार्रवाई होगी। यहाँ पर कोई भी डेट कंफर्म नहीं की है कि किस डेट को निकलेगा, कौन से महीने में निकलेगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कानपुर यूनिवर्सिटी से और ना ही रजिस्ट्रार जी द्वारा कि आखिर में। उन्होंने एक साधारण सा सिंपल सा आंसर दिया है कि कार्रवाई प्रक्रिया के अधीन है। अब ये प्रक्रिया आपकी कितनी लंबी है, कब तक चलने वाली है और इसमें कितने सालों का समय लग सकता है या कितने महीनों का समय लग सकता है, ये अभी तक रजिस्ट्रार जी द्वारा कन्फर्म नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार जी को इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बताना चाहिए था कि आखिर में इस महीने में निकल रहा है, स्टूडेंट वेट करें। देखो निकलेगा ये तो सबको पता है कि बैक पेपर के फॉर्म आएंगे 100% आएंगे, लेकिन किस महीने में आएंगे, क्या 6 महीने लग जाएंगे या 1 साल लग जाएगा, कन्फर्म तो करें यूनिवर्सिटी कि किस महीने में आएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं और बैक पेपर के अकॉर्डिंग उस पेपर के अकॉर्डिंग जिसमें वो बैक पेपर डालने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन को एक धार दे सकें और उन्हें अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें जैसे ही ये फॉर्म डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर में ये फॉर्म अभी आए हैं, इतनी लास्ट डेट है और इसके बाद विद इन 1 महीने 45 दिन के अंदर उनका पेपर होना है। तो जो पढ़ रहे हैं उनमें एक गति आ जाए जिससे कि आसानी से स्टूडेंट को अच्छे नंबर अचीव हो पाएँ।
अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, यहाँ तक कि रजिस्ट्रार जी द्वारा कन्फर्म नहीं किया गया, एक साधारण सा आंसर दिया गया है जो कि मेरे अनुसार सही नहीं है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बैक पेपर का फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब क्या करना है, कानपुर यूनिवर्सिटी को RTI लगाइएगा। ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, जनसुनवाई ऐप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप नियर बाई कहीं रहते हैं तो ज्ञापन भी आप दे सकते हैं कि आखिर में जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि स्टूडेंट के बहुत लेट हो रहा है सेशन उनका, क्योंकि अभी बैक पेपर के फॉर्म निकलेंगे, स्टूडेंट जो उसमें पास हो जाएंगे तो अब कब अभी आपको जैसे सेकेंड ईयर में, तो आप थर्ड ईयर के एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद कराने वाले हैं, अलग 4-5 महीनों का समय है, तो उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति या स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर की भी प्रिपरेशन कर सके, इसके अकॉर्डिंग जल्दी कानपुर यूनिवर्सिटी तत्काल प्रभाव से निर्णय लेना चाहिए स्टूडेंट के। इसमें आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।